अपनों का खोना क्या होता है मैं दिल की गहराइयों से समझती हूँ। आपके साथ जो हुआ है उसकी कोई भरपाई तो नहीं की जा सकती, मगर ऐसे मौके पर एक दूसरे का हाथ थामने से भी मन को तसल्ली मिलती है। इन शब्दों में छलकता दर्द प्रियंका गांधी का है। इन पंक्तियों में जो सांत्वना ढांढस है वो प्रियंका गांधी की है। भावनाओं से भरा यह खत भेजकर प्रियंका गांधी हर उस शख्स को अपने पाले में करना चाहती है जो CAA को लेकर मोदी योगी सरकार से नाराज है। आप कतई अपने आप को अकेला न समझे, हौसला न खोए, हम आपके साथ हैं। हमें आगे बढ़ना है और इंसाफ की मांग को मजबूत करना है। प्रियंका गांधी के ये शब्द एक चिट्ठी में लिपटकर फिरोजाबाद में रह रहे उस परिवार तक पहुंचे जिसका एक सदस्य CAA के खिलाफ भड़की हिंसा का शिकार हो गया। इस खत के जरिए प्रियंका गांधी सिर्फ सांत्वना नहीं दे रही बल्कि सरकार के खिलाफ संघर्ष की अपील कर रही है। इंसान को बांटने वाली ताकतें मुल्क को कमजोर कर रही हैं। हमें अपने प्यार मुल्क और संविधान को बचाने के लिए लड़ना है। जब भी और जहां भी हमारी जरूरत हो आवाज देने में हिचक ना करें। कल रात कांग्रेस नेता PL पुनिया और राशिद अलवी फिरोजाबाद में मृतक के परिवार से मिले। उन्होंने प्रियंका गांधी का खत सौंपा। ये मुलाकात इतनी गुपचुप हुई कि पुलिस और स्थानीय कांग्रेस नेताओं तक को भी भनक नहीं लगी। कभी कड़कड़ाती ठंड में धरना, कभी लखनऊ में पुलिस से जोर आजमाइश, कभी जोखिम उठाकर पीड़ितों से मुलाकात। नागरिकता संशोधन कानून पर कई दिनों से प्रियंका गांधी जबरदस्त एक्शन में है। वो योगी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं गंवा रही। प्रियंका गांधी का नया लेटर इसका सबूत है। पुलिस और प्रशासन खुद गलत काम कर रहे हैं। पुलिस ने तोड़फोड़ की है, उसका वीडियो है। पुलिस ने कहीं एक माइनर को घेर के उसको पीटा है, शायद कानपुर में, उसका वीडियो है। तमाम इसमें ऐसे मिसाल हैं जहां जिससे ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि वो बदला लेंगे, उस बयान पे प्रशासन और पुलिस कायम है। फिरोजाबाद में 20 दिसंबर को हुए बवाल में 6 लोगों की मौत हो गई थी। अटकलें हैं कि प्रियंका गांधी इन परिवारों से मिल सकती है। हालांकि जिला प्रशासन किसी बड़े नेता को फिरोजाबाद आने नहीं दे रहा। मेरठ में भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को रोक दिया गया था। प्रियंका गांधी की राजनीति का पूरा फोकस यूपी और योगी पर आकर टिक गया है। ये मार्मिक खत प्रियंका गांधी का योगी सरकार के खिलाफ नया हथियार है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ, फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा, आज तक।